भैया सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जो ये बहुत सैड न्यूज आई है दिनेश पंडवीस के निधन के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? दुखद है, निधन है तो दुखद ही होगा। और हमारे दिनेश भाई सबके बहुत लाडले थे, हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी उनके साथ, तो दुख तो होगा ही, सवाल ही नहीं। और काफी टाइम से बेचारे थोड़े बीमार भी चल रहे थे, और कल रात 12:08 पे उनका निधन हो गया। जिंदल अभी है 10:30-11 बजे के आसपास जिंदल होगा परवली ईस्ट में। दिनेश जी की जो पूरी शख्सियत रही है सर, आज कैसे याद करना चाहेंगे आप उनको? उनको उनके साथ रहते तो हमारी हंसी रुकती नहीं थी, हमेशा हंसते रहते थे हम लोग, तो उनका वही खासियत था। ही वॉज अ वेरी स्पेशल सोल, ही वॉज अ लाइफ वायर हमारे टीम में। एक हमारे लिए वो मतलब एक कॉमेडी नहीं थे हमारे लाइफ में, तो अच्छा लगता था। आई मीन बहुत सारी मेमोरीज हैं अभी उनके साथ से जो हमने स्पेंड किया है, बस शेयर दोस्त ना, और क्या कर सकते हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम था सर? बहुत सारी ऐसे आई थी खबर की हार्ट अटैक की वजह से उनको एडमिट किया गया था, कुछ आप बताना? हार्ट अटैक तो नहीं था वो, क्योंकि वो खुद अपने आप को एडमिशन उन्होंने लिया था हॉस्पिटल में, बिकॉज कुछ दिक्कत थी उनके हेल्थ के साथ, थोड़ा इश्यूज था जिसको सॉर्ट करने के लिए वो हॉस्पिटल गए थे। बट जाने के बाद एक एक चीज के ट्रीटमेंट करने जाओ तो इट लीड्स टू अनदर, तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ा पड़ गया, छोड़ के चले गए। थोड़ा सा फ्यूनरल के बारे में कुछ बताना चाहें, कहाँ पर पूरी प्रोसेस होने वाला है सब कुछ? हाँ, उनके रेसिडेंस से निकलेगा अभी, इट्स ऑलरेडी 10:40 होने को है। अनदर 5-10 मिनट्स विल लीव फ्रॉम हिज रेसिडेंस। नाउ क्रेमेटोरियम है बोरिवली ईस्ट में, दौलत नगर के ब्रिज के पास जो क्रेमेटोरियम है बोरिवली ईस्ट में स्टेशन के पास, वहाँ पर क्रिमेशन होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।